नमस्कार जोहार। हॉकी का नाम आते ही जेहन में झारखंड और राजधानी रांची का नाम आता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो रांची ने दिया है और रांची के आसपास गुमला जिला और सिमडेगा से हॉकी की बहुत सारी लड़कियां निकली हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पे जंगल और पहाड़ का क्षेत्र है, लेकिन जब स्टिक उनकी चलती है तो गोल यानी गेंद कहाँ पहुँचता है, यह देखने वाली बात। ऐसे में वुमेंस चैंपियनशिप रांची को मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है और इस उपलब्धि को आज और हम और आप मिलकर इसको और पूरा करेंगे। 6 देशों का यह टूर्नामेंट 27 तारीख से शुरू होगा और 5 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। जहां एक ओर प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, वहीं खेल प्रबंधन भी अपना स्टेडियम बना करके तैयारी की है और यहाँ पे अब कुछ ही क्षणों में प्रैक्टिस होगा। देश के सभी खिलाड़ी आ गए हैं और यहाँ पे खिलाड़ियाँ अपना प्रदर्शन करेंगे और हमें आपसे अपील होगी कि झारखंड की टीम यानी भारत की टीम के लिए हम लोग लड़ें और उनको चीयर अप करने के लिए आएँ। और यहाँ का एंट्री बिल्कुल फ्री है। फ्री इसलिए किया गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो आप यहाँ आकर हॉकी का मज़ा ले सकते हैं। कल से मैच शुरू होगा, इसके लिए कप्तान कोच ने आज प्रेस वार्ता की और बताया कि हम अपनी पूरी टीम के साथ हौसला के साथ उतरेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हम यह चैंपियनशिप जीते और ओलंपिक में भी पदक लाएं। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, हर एक मैच इम्पोर्टेंट है और आज की हॉकी में कोई भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और हर एक टीम के लिए हमारी सेम रिस्पेक्ट है। हमारा हम खुद अपने प्लान में बिजी हैं कि हमारा गेम प्लान क्या होगा, हमारे कोच हमारी मीटिंग में हमारे लिए क्या डिसाइड करती है, हम उस चीज़ पे फोकस रखेंगे और वही चीज़ हमारे लिए काम करती है। हम कभी भी ना सामने वाली टीम को ज़्यादा ईजी लेते हैं और ना ही कि हाँ ये टीम वर्ल्ड बेस्ट है, क्योंकि वो चीज़ें हमने उस चीज़ के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जो हमें देनी चाहिए, इसलिए हमारे लिए वही चीज़ काम करती है कि जस्ट फोकस ऑन आवरसेल्फ। हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि 18 प्लेयर्स टीम में हैं तो वो इंडियन टीम है। और जब मैं एयरपोर्ट पे भी आई थी तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से कितने प्लेयर हैं, तो वो तो आप सबको ज़्यादा पता होना चाहिए हमारे लिए। You know, you learn from every game and I think for us the biggest learning is that we're now you know, amongst the better teams in the world, and we've gotten there, I think, in the last couple of years, and that comes with a different expectation, and that expectation is something that as a team we're learning to deal with. We're seen as, you know, we have to play our own game. We have to be better every game, and we have to make sure that, you know, we play our own game regardless who we play against. And I think we're getting there. I think the Asian Games was a valuable lesson, with not the outcome we wanted, and we hope that we can learn from that and be better here. हाँ देखिए, ड्रैफ लीग में जैसे हम दीपिका और मैं हूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैफ लीग एक थोड़ा हम लोग लिए जो रहता है ना कि फर्स्ट रसर ओपोनेंट का जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, तो उसमें जैसे हीटर भी है, नवनीत कौर है और नेहा है, तो उन लोग का भी एक एडवांटेज मिलता है कि हम लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस उस दिन नहीं दे पा रहे तो एक हीटर भी उस दिन स्कोर करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारे जो बाकी हैं उन लोग कर रहे हैं। इंडिया में काफी टाइम के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और होपफुली हम अपनी गेम से आप सबको इम्प्रेस करेंगे। झारखंड सरकार हॉकी इंडिया हॉकी झारखंड माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जितने भी एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी इसको हम लोग शानदार और एक सफल आयोजन हो उस तरह से हम लोग तैयारी किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक ये 8वां संस्करण यहाँ आयोजित हो रहा है। बहुत ही जिस तरह से हम लोग की तैयारी है, जिस तरह से हम लोग इसको आयोजन करने के लिए सही लगे हुए हैं, अभी तक का सबसे बेस्ट और सफल आयोजन है।